हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड टीचिंग मेथड पर। दोस्तों, जैसा कि आपका अब समय बहुत कम बचा है, ओनली 1 महीना 30 दिन, और इतने कम समय में आपको ये 80 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट वाला है वो भी तैयार करना है, और जो 40 क्वेश्चन पूछेगा जीके जीएस वो भी तैयार करना है। आपके पास टाइम कम है। तो दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे आपको दो दो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और 40 से 50 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए एंड अपने सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दीजिए। और केवल यह बीपीएससी टीजीटी के लिए ही नहीं है, अदरवाइज सभी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए है। जैसा कि EMRS का भी एग्जाम इसके जस्ट बाद होगा, तो सभी एग्जाम्स के लिए आप डेली बेसिस से मेरे साथ बने रहिए। एंड दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, मानव में सामान्य धड़कन दर क्या है? व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट इन ह्यूमन? आप सबको पता है 72 बार प्रति मिनट, यानी एक बार में 72 बार धड़कता है। लेकिन जब अभ्यास करते हैं उस टाइम हार्ट रेट जो है 180 प्रति मिनट हो जाती है। अब जब एक प्रशिक्षित खिलाड़ी हो जाता है तो उसका जो हार्ट रेट होता है वो 40 से 50 पर मिनट होता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन की एक विधि है कहानी लिखना प्रदर्शन की खोजना। यहाँ पे आपका प्रदर्शन जो है, परफॉर्मेंस जो है, एक अध्यापन की क्या है, विधि है। एंड नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण होता है। इज फिजिकल एजुकेशन ए क्वालिटी ऑफ ए टीचर? तो टीचर क्या, फिजिकल एजुकेशन टीचर की क्वालिटी क्या होता है? वह एक अच्छा निष्पादक होना चाहिए, गुड परफॉर्मर होना चाहिए, ठीक है, एक सफल एवं आदर्श शारीरिक शिक्षक में बहुत सारे गुण, जैसे कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता, वेशभूषा, खिलाड़ी प्रवृत्ति होना चाहिए, एंड हष्ट पुष्ट स्वरूप होना चाहिए, एक अच्छा निष्पादक, सामाजिक कार्यकर्ता, नेतृत्व गुण, राष्ट्रीयता की भावना, मनोविज्ञान का ज्ञान, ये सभी चीजें एक शारीरिक शिक्षक में होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है, प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है? विच एसिड इंक्रीज इन आवर बॉडी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड? दोस्तों, आप सबको पता है क्या हो जाता है, क्या बढ़ जाता है प्रशिक्षण अवधि में, जिसके कारण हमको थकान हो जाती है, तो लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है। लगातार मांसपेशियों को उत्तकों द्वारा व्यायाम या कार्य करने पर लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है, जिससे उत्तेजना के बिना मांसपेशियां थकावट महसूस करती हैं, और थकावट से व्यक्ति की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। इसी को सेकेंड विंड भी कहते हैं। एंड दोस्तों, और फिर कुछ समय के लिए आप कूलिंग डाउन करते हैं यानी आराम करते हैं, तो पुनः आपको ऑक्सीजन या ATP बन जाता है, पुनः ऑक्सीजन आप ग्रहण कर लेते हैं, पुनः पहले वाली अवस्था में आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोच का गुण होना चाहिए, व्हाट क्वालिटी शुड ए कोच हैव? तो एक कोच का क्या गुण होना चाहिए, एक कोच का गुण होना चाहिए, ओपन माइंड, सोशियलाइजेशन, सेल्फिश यानी खुला दिमाग का होना चाहिए, समायोजन की स्वार्थी के आत्मविश्वास। तो सबसे बड़ा खुला दिमाग तो होना ही चाहिए, समायोजन भी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, बट सबसे अच्छा है ये कि आत्मविश्वास, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के लिए उपयोगी शिक्षक साधन यह है, दिस इज यूजफुल टीचर टूल फॉर स्पोर्ट्स के लिए क्या है? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दृश्य श्रव्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, क्योंकि टेक कर ही इसमें ज्यादा, जिसके द्वारा विद्यार्थी अपनी आंखों या कानों के द्वारा विषय को अच्छी तरह समझ पाता है। दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत जैसे कि ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, चुंबकीय चित्र, फिल्म स्लाइड, चलचित्र, ये सभी चीजें आती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटअप का उद्देश्य है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीटअप? जैसा कि आप सबको पता है, ये सीटअप जो है थर्ड प्रकार के लीवर यानी उत्तोलक में आता है, जिसमें बीच में फोर्स होता है, एक्सिस और रेसिस्टेंस के बीच में फोर्स होता है थर्ड प्रकार के लीवर में, और ये सीटअप थर्ड प्रकार के लीवर में आता है, ये हमारी मांसपेशियों की शक्ति और एंड्योरेंस यानी सहनशीलता को बढ़ाता है, सुधार करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा, पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करता है, यानी टू इम्प्रूव
द स्ट्रेंथ ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है, विच एक्सरसाइज इज नेसेसरी टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। तो लचीलापन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है तनन व्यायाम, यानी कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेच करना, ठीक है, ये सबसे बेस्ट होता है लचीलापन हासिल करने के लिए। जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो एक गामक योग्यता है, यानी मोटर युक्ता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की समन्वय प्रक्रिया और ऊर्जा उत्पादन पर निर्भर करता है। इस लचीलेपन के सामान्य उपयोग गुण क्या होता है, इसमें संकुचनशीलता, गतिशीलता का विशेष गुण होता है, पेशियों और लिगामेंट से संबंधित होता है। लचीलापन बढ़ाने के लिए चार विधियां हैं, स्टैटिक, बैलिस्टिक, असिस्टेड एंड पार्टनर मेथड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति मापी जाती है, हाउ इज पावर मेजर्ड। तो शक्ति को मापा जाता है डायनमोमीटर से, किससे मापा जाता है शक्ति को, डायनमोमीटर से। एंड फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन को मापा जाता है गोनियोमीटर से। नेक्स्ट है, यदि कोई खिलाड़ी प्रशिक्षक की देख रेख में सीखे हुए कौशलों का अभ्यास करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं ग्रूइंग द स्ट्रोक। क्या कहते हैं, ग्रूइंग द स्ट्रोक। इसका मुख्य उद्देश्य कौशलों पर प्रभुत्व प्राप्त करना होता है। एंड नेक्स्ट है, प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था, विच इन्वेंटेड प्रेशर ट्रेनिंग। तो प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किया था विंटर बॉटम ने किया था, यानी प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार इंग्लैंड के फुटबॉल कोच, ये विंटर बॉटम क्या थे, फुटबॉल कोच थे इंग्लैंड के, और इस प्रशिक्षण में खिलाड़ी को कम से कम आराम देकर अधिक से अधिक काम लिया जाता है। इस प्रशिक्षण के द्वारा शक्ति, तीव्रता, सहनशीलता का विकास किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों के कौशल का विकास एवं उन पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट है, माइक्रोसाइकल प्रशिक्षण की अवधि होती है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रोसाइकल ट्रेनिंग। तो तीन प्रकार की ट्रेनिंग साइकिल होती है, माइक्रोसाइकल, मीजोसाइकल एंड माइक्रोसाइकल। माइक्रोसाइकल जो है जिसे ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं वो 3 से 12 महीने का होता है। मीजोसाइकल जिसे मध्यम चक्र या अवस्थान चक्र भी कहते हैं, जो 3 से 6 सप्ताह का होता है। तीसरा होता है माइक्रो चक्र या साप्ताहिक चक्र, जो 3 से 10 दिन या 7 दिन का होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 7 दिन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण के समय हृदय गति प्रति मिनट लगभग कितनी रहनी चाहिए। तो व्हाट शुड बी द एप्रोक्सीमेट हार्ट रेट पर मिनट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो अप्रोक्सीमेट हार्ट रेट कितना होना चाहिए पर मिनट ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग के समय। तो प्रशिक्षण के समय या ट्रेनिंग के समय जो हार्ट रेट होता है 180 तक पहुंच जाता है, नॉर्मली 72 बार प्रति मिनट होता है, बट प्रशिक्षण के समय जो हार्ट रेट होता है 180 पर मिनट पहुंच जाता है। लेकिन जब एक प्रशिक्षित खिलाड़ी, रोज प्रशिक्षण करने वाला एक प्रशिक्षित हो जाता है, तो आराम के समय उसका हार्ट रेट 40 से 50 पर मिनट धड़कता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और प्रोटीन 10 से 15%, वसा 25 से 30% होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है, विच टेस्ट इज नॉट इंक्लूड इन स्ट्रेंथ टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जहां मांसपेशियों का प्रयोग ज्यादा हो वहां स्ट्रेंथ यानी अनएरोबिक क्रियाएं होंगी, जैसे कि पुलअप, डिप्स, पुशअप, ये तीनों के तीनों स्ट्रेंथ टेस्ट से सम्मिलित है। बट यहाँ पे शटल रन ये एजिलिटी यानी कि फुर्ती से रिलेटेड है, स्ट्रेंथ से रिलेटेड नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है, इन विच कंट्रक्शन द लेंथ ऑफ द मसल्स चेंज। तो किसमें चेंज होती है, तो उसमें होती है किसमें, आइसोटोनिक में।
जो स्ट्रेंथ को डेवलप करने की तीन मेथड होती हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक मतलब आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लंबाई, यानी कि सेम लंबाई। आइसोमेट्रिक का मतलब सेम लंबाई, यानी लंबाई सेम होती है। मांसपेशियों की लंबाई न घटती है न बढ़ती है, इसमें कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता है एंड तनाव बना रहता है, वो होता है आइसोमेट्रिक। जैसे कि दीवार को धक्का मारना, दीवार के सहारे आधी बैठक करना। एंड आइसोटोनिक क्या होता है, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, यानी सेम तनाव होता है और मांसपेशियों की लंबाई जो होती है वो घटती बढ़ती होती है रहती है। आइसोटोनिक जो होते हैं दो प्रकार का होता है, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक। जब मांसपेशी मुड़ती है यानी उसका कोण कम होता है तो लंबाई की, मांसपेशियों की लंबाई कम होती है तो कंसेंट्रिक होता है। जब वो फैलता है तो मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं इसेंट्रिक। और एक होता है आइसोकाइनेटिक। आइसो मतलब सेम और काइनेटिक मतलब गति, यानी सेम गति, एक स्थिर गति होता है वो होता है आइसोकाइनेटिक। जिस जो पानी वाले खेलों में मशीनों द्वारा ज़्यादा होता है, जिस तरह की रोइंग आदि में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग जो है स्पीड एंड्योरेंस सुधार करता है, फार्टलेक एंड्योरेंस को सुधार करता है। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी शक्ति सहनशीलता को सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो सर्किट ट्रेनिंग का। किसका प्रयोग किया जाता है? सर्किट ट्रेनिंग का, जिसका 1857 में एडमसन मार्गन ने इसका खोज किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइसेप्स ब्रांची और लैटिमस डोर्सी मांसपेशियों को विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास लाभदायक है? विच एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर डेवलपिंग द बाइसेप्स ब्रांची एंड लैटिमस डोर्सी मसल्स? तो बाइसेप्स ब्रांची जो हमारा बाइसेप्स होता है उसके नीचे कोहनी के समीप होता है बाइसेप्स ब्रांची, एंड लैटिमस डोर्सी जो होता है, लैटिमस डोर्सी कहाँ पे होता है? ये हमारे पीठ कमर के पास ऊपर पीठ पर सबसे चौड़ी पेशी होती है लैटिमस डोर्सी। जो लैटिमस डोर्सी जो होती है, इस लैटिमस डोर्सी को स्विमर मसल्स भी कहते हैं एंड राइब क्लिम्बर मसल्स भी कहते हैं। तो इसको विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास ज़्यादा लाभदायक होता होगा? तो यहाँ पे पुलअप जो है वो ज़्यादा लाभदायक होगा, पुलअप जो है ज़्यादा लाभदायक होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? व्हेन द मसल्स बिकम शॉर्टर ड्यूरिंग मसल्स कंट्रैक्शन व्हाट इज इट कॉल्ड? तो दोस्तों यहाँ पे आप आंसर दे दिए होंगे, जब संकुचन के समय मांसपेशी छोटी होती है तो ये आपका आइसोटोनिक के अंतर्गत आ जाएगा, छोटा बड़ा होना। तो आइसोटोनिक के किस दो प्रकार का होता है, इसेंट्रिक कंसेंट्रिक। जब छोटा होता है तो कंसेंट्रिक कहते हैं, बड़ा होता है तो इसेंट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? कंसेंट्रिक, यानी कि छोटा हो रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? व्हाट डू यू लुक फॉर ए ट्रेंड पर्सन? एक ट्रेंड पर्सन प्रशिक्षित व्यक्ति है तो उसमें क्या देखेंगे? एक ट्रेंड पर्सन रख लीजिए, एक अट्रेंड, एक प्रशिक्षित एक अप्रशिक्षित। जो प्रशिक्षित होगा वो ज़्यादा समय तक अच्छी तरह से काम कर लेगा और ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी, यानी क्या आप देख सकते हैं आपका धीमी थकावट, ठीक है, धीमी थकावट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है? व्हाट इज द कॉजेज ऑफ मसल्स स्ट्रेन? तो इसका मेन कारण होता है अत्यधिक प्रशिक्षण। क्या होता है? अत्यधिक प्रशिक्षण, ओवर ट्रेनिंग हो जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी से पेशियां खिंचाव उत्पन्न हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गतिविधि जिसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी सहन शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, विच एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस? तो जैसे कि आप दो मील चाल, भार उठाना एंड किसमें आपको नहीं जरूरत पड़ेगी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस की, तो इसमें आपका कौन हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा
दोस्तों 100 मीटर दौड़ में भी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस नहीं जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये स्पीड को डेवलप करेगा, एंड भार उठाने में भी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी अनएरोबिक क्रिया है। तो यहाँ पे तो दो मील चल रहे हैं, यानी कि 2 मिनट से ज़्यादा की क्रिया होगी उसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस होगी। तो 2 मील यानी 2 किलोमीटर से ज़्यादा आप चल रहे हैं तो उसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस की आवश्यकता पड़ेगी। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 100 मीटर दौड़ एंड भार उठाना, इन दोनों में कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गतिविधि खाली समय में खेले गए खेलों में उपयोग की जाती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज यूज इन गेम प्लेड इन फ्री टाइम में, किसका उपयोग किया जाता है? नेट बॉल का, फ्री टाइम में खेलने के लिए नेट बॉल का प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक प्रशिक्षण के बाद कूल डाउन जरूरी होता है क्योंकि कूल डाउन इज नेसेसरी आफ्टर फिजिकल ट्रेनिंग बिकॉज, क्यों जरूरत पड़ता है? क्योंकि यह लैक्टिक अम्ल का स्तर घटाता है। जब शारीरिक प्रशिक्षण करते हैं तो मांसपेशियों को काम करना पड़ता है, इस कंडीशन में लैक्टिक एसिड जम जाता है, और जब हम कूल डाउन करते हैं तो ये लैक्टिक अम्ल स्तर को क्या करता है? घटाता है, लैक्टिक अम्ल के स्तर को घटाता है। यानी कि किसी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के बाद शरीर को फिर से सामान्य अवस्था में लाने को लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन कहा जाता है। व्यायाम से पूर्व अवस्था में लौटने के लिए कूलिंग डाउन अनिवार्य है, जिससे विभिन्न प्रक्रियाओं शारीरिक शरीर विज्ञान जैव रसायन तथा मनोविज्ञान क्रियाओं में पुनः संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित हो सके। एंड नेक्स्ट है कि किस प्रशिक्षण में लाभकारी विश्राम की अवधि का उपयोग किया जाता है? दैट बेनिफिशियल रेस्ट पीरियड आर यूज्ड इन ट्रेनिंग। तो प्रशिक्षण में लाभकारी विश्राम अवधि का उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? तो एक अनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है, रिकवरी यानी विश्राम अवधि का प्रयोग किया जाता है किसमें? अंतराल प्रशिक्षण में, यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में। कंटिन्यूअस में तो रहेगा नहीं, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, उसमें कहाँ आपका विश्राम है? नहीं है, ठीक है। पुनरावृत्ति रिपीटेशन में भी नहीं है, वेट ट्रेनिंग में भी नहीं है, क्योंकि ये आपका एरोबिक में आ जाएगा, अनएरोबिक में आ जाएगा, मसल्स ग्रोथ में। तो आपका लाभकारी विश्राम किसमें दिया जाता है, उपयोग किया जाता है? अंतराल प्रशिक्षण यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, जिसकी खोज किया था 1920 में अवेवे बिकला ने। एंड इसको टेरिस प्रशिक्षण भी, रेस्ट एंड कैफर्ड मेथड भी, या प्रयास या पुनः शक्ति प्राप्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण को संचालित करती है? तो यह होती है आपका राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा काउंसिल, यानी कि NCTA, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एक संस्था है जिसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 में की गई। इसका उत्तरदायित्व है कि वे भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा भोपाल, भुवनेश्वर, बंगलुरु और जयपुर में इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां हैं, याद रखिएगा NCTA का। नेक्स्ट है, खेलों में प्रतिभा खोज के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर टैलेंट काउंट स्कोरिंग इन स्पोर्ट्स? तो दोस्तों, खेलों में प्रतिभा खोज के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो वो होता है मोटर गुणवत्ता। कौन सा गुणवत्ता? मोटर गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रतिभा खोज के लिए। यहाँ पे मोटर यानी गामक शिक्षा का अर्थ किसी कार्य की दक्षता की प्राप्ति से नहीं है, प्राप्ति से है, जिसमें हरकतें सम्मिलित हैं। मोटर गुणवत्ता तब तक पूरी नहीं होती जब तक आदतें पूरी तरह स्थापित न हो जाए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि खेल भावना जैसा नैतिक मूल्य खिलाड़ी किससे ग्रहण करता है? फ्रॉम होम डच ए प्लेयर एक्वायर मोरल वैल्यूज लाइक स्पोर्ट्समैनशिप। तो यहाँ पे जो खेल भावना जैसी नैतिक मूल्य होता है खिलाड़ी किससे ग्रहण करता है? ये शिक्षक और प्रशिक्षक, कोच से ग्रहण करता है। यानी कि
फ्रॉम टीचर्स एंड कोचेज से यह प्राप्त करता है, टीचर एंड कोचेज से यह प्राप्त करता है खेल भावना। यानी कि एक खिलाड़ी के जीवन में प्रशिक्षक एक अत्यंत प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है जो खिलाड़ी के खेल भावना, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, आदर जैसे नैतिक मूल्य को ग्रहण करता है इन सभी से खिलाड़ी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रकार शारीरिक दक्षता को मापने की विधि नहीं है? तो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरिंग फिजिकल इफिशियंसी। तो यहाँ पे कापर का 12 मिनट चाल, कूपर का जिसको 1972 में दिया था कूपर ने कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए, बॉडी मास मापना ये भी आपको शारीरिक दक्षता को मापता है, एसिड एंड रिच टेस्ट भी मापता है, बट ऊंचाई जो है वो शारीरिक दक्षता से इसको कोई रिलेट नहीं है, तो ये आपका ऊंचाई मापना आपका नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, मीजो साइकिल की अवधि क्या होगी? तो आप समझ सके हैं, 3 साइकिल होता है, माइक्रोचक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रोचक्र। माइक्रो 3 से 12 सप्ताह महीने का होता है एंड मीजो चक्र 3 से 6 सप्ताह का होता है, माइक्रोचक्र 3 से 10 दिन या 7 दिन का होता है। तो मीजो साइकिल पूछा है तो 3 से 6 सप्ताह होगा, 3 से 6 सप्ताह नहीं दिया है तो 4 से 6 सप्ताह आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य है, द मेन पर्पज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज इज। तो शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है अपनी शक्ति का बेहतर प्रदर्शन करना। क्या होता है? अपनी शक्ति का बेहतर प्रदर्शन करना। एंड नेक्स्ट है, किसी भी खेल में अधिकारियों यानी रेफरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि यह खेलों के नियमों का सही ढंग से पालन करने के लिए रेफरी यानी अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। एंड नेक्स्ट है, लचीलेपन को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? व्हाई इज फ्लेक्सिबिलिटी कंसिडरेड इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल हेल्थ? के लिए क्यों? लचीलापन क्या करता है? हमारे शरीर में गतिशीलता लाता है, हमारे शरीर में मांसपेशियों को खींचने से बचाता है, लचीलापन बना रहता है जिससे चोट कम लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, यह मांसपेशियों को खींचने से बचाता है, हमारी बॉडी को में लचीलापन यानी कि फैलाव ला देता है मांसपेशियों में, जिसे चोट से बचाव होता है, आसन को सुधारता है, खेल स्पर्धाओं में शरीर का लचीलापन अच्छा परिणाम देने में, जोड़ों को स्वस्थ रखने में लाभदायक होता है। एंड नेक्स्ट है, किसके द्वारा एरोबिक शक्ति में वृद्धि की जा सकती है? तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, एरोबिक शक्ति में वृद्धि तो तैराकी द्वारा भी की जा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में की जा सकती है? इसमें लंबी दौड़ के द्वारा। किसके? लॉन्ग रन के द्वारा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक व्यायाम जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज विच इज डन द इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन सा व्यायाम किया जाता है? एरोबिक। ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोबिक व्यायाम होता है जो लंबे समय की क्रिया और एंड्योरेंस डेवलप करता है, एंड जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बिना ऑक्सीजन के किया जाता है वो अनएरोबिक क्रियाएं होती हैं, जो कम समय की क्रियाएं होती हैं, 45 सेकेंड से 2 मिनट तक की क्रियाएं, जो मसल्स को डेवलप करता है ज़्यादातर, पावर लिफ्टिंग जैसे हो गया, वेट लिफ्टिंग, ये सब अनएरोबिक क्रियाएं हैं, 100 मीटर स्प्रिंट ये अनएरोबिक क्रियाएं हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह डेली बेसिस मेरे साथ जुड़े रहिए और सभी वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए और थ्योरी सेशन भी मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट देखिए, सभी टॉपिक की प्लेलिस्ट बना हुआ है। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।